बहुत 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 लोगों से बातचीत हो गई है, ठीक है, अभी और कुछ लोगों से बातचीत कर रही है, आज जब सब हो जाएगा तब आप लोगों को बताएंगे ना, अभी काम कर रहे हैं। भाजपा में आपके आनंद मोहन के रिहाई मामले में चर्चा करेंगे, राजनीतिक रूप से मिट्टी में मिला देंगे आपके राजनीतिक जीवन को, ऐसी बात को आप कैसे देखते हैं? अब कह तो उसको कहिए ना, करा दो ये सब जो कोई बोलता है, जिसके बोलने का बताइए, हम कभी बोलते हैं सब तरह का बात, तो जो इस तरह के शब्दों का प्रयोग करता है तो समझ लीजिए कि बुद्धि नहीं है। तो जो मन में करे बोले, कहिए कि जहाँ करना है कर दो, जो इच्छा है करो। बड़ा नेता सब युवा का नहीं है, आजकल जो है ये लोग जितना, अब वो सबको कोई बुद्धि नहीं है, आप अच्छी तरह जान लीजिए। अश्रद्धे आप सोच लिए अटल बिहारी वाजपेयी जी का कितना बड़ा सब हम लोग रहे हैं, कितना हम सब प्रशंसा करते हैं। ममता दीदी यूपी की भाषा का बिहार में आप जा रहे हैं क्या मिलने? ममता बनर्जी से कब जा रहे हैं? ये सब चीजवा अभी पूछने की क्या जरूरत है, हम सब जब कर लेंगे इसके बाद बात करेंगे। अच्छा सर, बड़ा नेता बनने की होड़ में इस तरह के बयानबाजी को कैसे लगता है कि ये बड़ा नेता बनने? जो लोग बोलते हैं आपके खिलाफ एकदम फालतू बात बोलता है, क्या कहिएगा? हम तो सभी दलों को, ज्यादा से ज्यादा दलों को, विपक्षी दलों को एकजुट करने में लगे, हम अपने लिए कुछ नहीं चाहते हैं। कितनी बार बोल चुके हैं आप लोग, आज जब भी मिलते हैं कह देते हैं हमारी कोई नहीं इच्छा है ना कुछ अपने लिए व्यक्तिगत, हम तो पूरे देश के हित में सोच रहे हैं। अभी जो कुछ भी हो रहा है कुछ लोग पूरे देश के इतिहास को बदलने के चक्कर में, हम चाहते हैं कि देश सुरक्षित रहे सर, और जो इतनी बड़ी आजादी की लड़ाई हुई नई पीढ़ी को मालूम होना चाहिए। तब कुछ लोग आजकल है जो सब चीज को बदल देना चाहते हैं, तब इसलिए तो चाहते हैं, अलग हुए हैं और हम लोगों ने कह दिया कि नहीं, अब सब लोग जब एक साथ हो जाएंगे और मिल करके होंगे तो फिर देश सुरक्षित रहेगा, तो इसके लिए हम लोग काम करें। मेरा व्यक्तिगत अपना प्रधानमंत्री ने कहा था आपसे कि कुछ लोग जो है आजकल देश में भ्रष्टाचारियों को बचाने में जुट चुके हैं, अब क्या कहते हैं उन्हीं से पूछिए, हमको क्या जरूरत है, हमको तो जो कहना है हम उतना कह दिए कि समूचा जो देश का आज तक का इतिहास है आप उसको धीरे धीरे देख रहे हैं, अब नई टेक्नोलॉजी पर जो कब्जा है तो आप देख रहे हैं, पुरानी चीजें अब आ रही हैं, सब चीज जो कितना था और कितने बड़े बड़े लोगों ने जो काम किया, तो उनको सबको अपना बुलाना, तो हम लोग इसीलिए एकजुट कर रहे हैं पूरे देश में, उसी में हम लगे हैं अभी, लेकिन अपने लिए मुझको नहीं कुछ चाहिए। आप जो काम कर रहे हैं को ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।